हाय फ्रेंड्स, मैं खुशी आप सबको मेरी गार्डनिंग चैनल रुप्रप गार्डन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको कुछ विंटर सीजन की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दिखाऊंगी जो मैं अपने गार्डनिंग में पॉटिंग किया है, और कौन कौन से प्लांट्स मैंने विंटर सीजन में पॉटिंग किया है और कौन कौन से प्लांट्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं आप सबको वही दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं रोज़ प्लांट से दिखाऊंगी कि मेरे किस किस टाइप का रोज़ यहाँ पे लगाए हैं। तो आप देख सकते हो ये मैरून वेलवेट रोज़ है और ये थोड़ी यूनिक क्वालिटी है। आप देख सकते हो इसकी फ्लावरिंग किस तरह से ग्रो किए हैं। ये ज़्यादा दिन का नहीं है, एक महीने का ही है। और यहाँ आप देख सकते हो ये ऑरेंज कलर का प्लांट है रोज़ का, और यहाँ पे भी ये बहुत अच्छे से ग्रो किए हैं और दो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं और कुछ बर्ड्स भी आए हुए हैं। दोस्तों ये देखिए मेरी स्थल कमल की प्लांट, आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं और 3 फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये मेरे ज़्यादा दिन की प्लांट नहीं है, सिर्फ 3 महीने का ही है, और देखिए कितने छोटे से पॉट में ये पॉटिंग किया हुआ है, फिर भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसमें जब मैं इसे नर्सरी से परचेस करके लाई थी तो इसमें पेस्ट का अटैक था। अभी ये देखिए मैंने वो पेस्टिसाइड करने के बाद ये कितना सुंदर फ्लावरिंग दिया है। दोस्तों ये देखिए मेरी 2 क्रोटोन की प्लांट है, एक पर्पल शेड में है और एक ग्रीन और येलो मिक्स है। तो जो पर्पल शेड में है उसमें फ्लावरिंग होती है छोटी छोटी, और इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, सिर्फ ये आपकी गार्डन का शोभा बढ़ाती है। ये देखिए ये मेरी वांडरिंग जियो का प्लांट है, ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ये मेरी बहुत पुराने प्लांट है, देखिए आप कितने ये कितना ग्रो किया है आप देख सकते हो थोड़ा। और मैंने इसे 6 इंच का पॉट में इसको पॉटिंग किया है और हैंगिंग करके रखी है, देख सकते हो आप। ये मेरा अम्ब्रेला पाम की प्लांट है, और ये आप देख सकते हो कितने छोटे से पॉट में पॉटिंग किया हुआ है, 6 इंच के पॉट में पॉटिंग किया हुआ है। ये बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरे चंद्रमल्लिका का प्लांट है, यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे लगे हुए हैं। इस साल मैंने बहुत ज़्यादा चंद्रमल्लिका के प्लांट लगाए हैं, लेकिन इस सबको मैंने ख़रीदा नहीं है। मेरे पास कुछ अगले साल का कुछ प्लांट्स थे, उसमें से कटिंग करके मैंने इतने सारे बनाए हैं। आप देख सकते हो इसमें वाइट पर्पल और एक वाइट बड़ा जो होते हैं वो, और एक येलो शेड में भी है, और भी है मेरे पास। आइए चलिए दोस्तों मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी चंद्रमल्लिका की और कितने सारे कटिंग्स लगे हुए हैं। ये सारे मैंने अगले साल के प्लांट से इसको कटिंग करके इतने सारे बनाए हैं, आप देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों मेरे कुछ चंद्रमल्लिका का कुछ प्लांट मैंने एक साथ इस पे पॉटिंग कर दिया है, क्योंकि मेरे पास जगह भी कम थे और इतने सारे चंद्रमल्लिका हो गए थे जिसकी वजह से मैंने एक ही में सबको डाल दिया। और देखिए इतने छोटे छोटे प्लांट्स में भी कितना सुंदर मेरे जो फ्लावरिंग है कितना सुंदर ग्रो किए हैं आप देख सकते हो इसमें। दोस्तों देखिए मेरे एक हैंगिंग किया हुआ प्लांट है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये मॉस रोज का प्लांट है, देखिए ऑरेंज शेड में है, ये 6 इंच के पॉट में मैंने हैंगिंग करके रखा है, ये देखिए कलर इसका। तो दोस्तों ये देखिए मेरे सारे मेरीगोल्ड प्लांट्स, गेंदा प्लांट्स, जो मैंने सिर्फ 2 ही प्लांट से मैंने इसको कटिंग कर करके इतने सारे बनाए हैं, और इसके कटिंग के ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। और अभी आप देख सकते हो मेरे पास कितने सारे गेंदे हैं, ये सारे कटिंग से बनाए गए हैं। 2 प्लांट्स थे मेरे पास और मैंने इतने सारे प्लांट्स बनाए हैं, आप भी इसे ऐसा कर सकते हैं, और मेरी पिछली वीडियो को देख के आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी चांदनी की एक और प्लांट है दोस्तों, आप देख सकते हो इसको भी मैंने कटिंग से ही बनाए हैं, और आपके आपको इसके ऊपर मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। ये फ्लावरिंग बहुत अच्छा देखने में लगता है और इसमें धीमी सी एक खुशबू आती है, और आप इसे अपने गार्डन में भी लगा सकते हो।
तो दोस्तों ये देखिए मेरी टमाटर की प्लांट्स, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था जब मैंने इसे नए नए पॉटिंग किए थे तब मैंने इसको दिखाई थी, और आप देख सकते हो कि ये किस तरह से ग्रो कर चुके हैं एक महीने के अंदर, और इसमें फ्लावरिंग चालू हो चुके हैं। आप देख सकते हो इसमें फ्लावरिंग हो रहे हैं और कुछ ही दिनों में इसमें फ्रूटिंग भी चालू हो जाएंगी, तो हम आप सबको शो करेंगे कि इसकी फ्रूटिंग कितने अच्छे हुए हैं और कितने अच्छे तरीके से ग्रो किए हैं। दोस्तों ये मेरे डालिया के प्लांट्स हैं, मैंने इसको भी दिखाया था आपको पिछले वीडियो में जब ये बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन इसमें फ़िलहाल कोई फ्लावरिंग नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसमें 10 से 15 दिन के अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। मैं आप सबको दिखाऊंगी कि इसके कलर और फ्लावरिंग किस तरीके से हुए हैं, मैं आप सबको बाद में ज़रूर दिखाऊँगी। दोस्तों आप देख सकते हो ये ओरिएंडर का नया सीड्स मैंने लगाए हैं जो थोड़े ग्रो कर चुके हैं, अभी तो नए लगाए हैं। आप देख सकते हो जो जो प्रोसेस से मैंने लगाए हैं, मैंने वीडियो पे सारे शो किए हैं, आप देख सकते हो मेरा पिछला वीडियो। दोस्तों ये देखिए मेरे करेला का प्लांट्स यानी बीटर गॉट का प्लांट्स, आप देख सकते हो ये भी कितने अच्छे तरीके से ग्रो किए हैं, और मैंने इसको इसके ऊपर एक शेड बनाया है, उसके ऊपर मैंने लगाए हैं करेला का प्लांट, और आप देख सकते हो करेला का प्लांट कहाँ लगा हुआ है, एक बड़े से जो टब टब टाइप है उस पर लगाए हैं, और आप नीचे भी देख सकते हो बहुत सारे करेला अभी भी मौजूद है मेरे प्लांट्स में। दोस्तों ये देखिए मेरे रजनीगंधा का प्लांट है जो अभी एक स्टिक निकले है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो, और बहुत लंबा हुए है ये स्टिक, आप देख सकते हो कितनी सुंदर, और इसका महक बहुत अच्छा आता है, पूरा गार्डनिंग स्मेलिंग करता है। दोस्तों मैं आपको एक नया प्लांट दिखाती हूँ मेरे गार्डन में, तो ये है स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। मैंने इस प्लांट के ऊपर मेरी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे पॉटिंग किए हैं, और देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छे आते तो मैं आप सबको दिखाऊँगी, शो करूँगी ज़रूर, और इसको नॉर्मल प्लांट की तरह ही मैंने इसको पॉटिंग किया है, जिस तरह से नॉर्मल प्लांट को करते हैं पॉटिंग, उसी तरह से मैंने पॉटिंग किया है, और देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। ये स्ट्रॉबेरी प्लांट है। दोस्तों आप देखिए मेरे कटिंग ट्रे हैं, इसमें मैंने एडिनियम का सीड्स लगाए थे, और स्पैंसी आप देख सकते हो ये भी लगा हुआ है, और कुछ कटिंग्स ऐसे ही लगा हुआ है वो चंद्रमल्लिका का, और कुछ आप देख सकते हो ये सब लगाए हुए हैं कटिंग में। तो दोस्तों ये था मेरे दिसंबर महीने का कुछ अपडेट मैंने आप सबको दिया, और मैंने दो प्लांट से किस तरह से इतने सारे प्लांट को ग्रो किए हैं कटिंग के थ्रू, वही मैंने आप सबको दिखाया है। तो दोस्तों हमारे साथ सपोर्ट आपका बनाए रखिए, और मेरी ये शॉर्ट वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो नए यूज़र्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।